जॉन को फिगर आउट नहीं कर पाती। अपने फ्रेंड के साथ थी तो उसे कहती है, हमेशा मुझे पता होता है कि क्या चीज़ होगी जिससे रिलेशनशिप एंड हो जाएगी। जॉन के साथ कुछ भी पता नहीं चलता, वो बहुत ही मिस्टीरियस टाइप है। उसके बारे में और भी वो जानना चाहती थी। जब एक दिन वो काम पर जा रहा था तो उसको पीछा करती है। वो उसके ऑफिस में पहुंच गए। जॉन को भी उसे देखकर अच्छा लगा, उसे लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। यहाँ भी सब लोगों के सामने उसे अपने हाथों से खिला रहा था। इनके आसपास वॉल स्ट्रीट के सब लोग थे। एलिजाबेथ ने कहा, मैं वंडर करती हूँ तुम्हारी तरह होना कैसा होगा। अब यही उसकी विश कंप्लीट करने के लिए जॉन ने एलिजाबेथ के लिए कॉस्ट्यूम लाया। ये पहनकर उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। वो उसे अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था। वो कहता है, दिन रात हम बहुत मेहनत करते हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली के पास जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर से दिन भर बहुत मेहनत। पर मैं एक लड़की से मिला हूँ जो बहुत ही अमेजिंग है। मैं बिलीव नहीं कर पाता कि मैं उसके साथ हूँ। एलिजाबेथ को यह बहुत अच्छा लगा। ये दोनों स्ट्रीट से जा रहे थे तो एक गाड़ी की वजह से इन पर पानी गिर गया। एलिजाबेथ उन्हें गालियां देती है। उन लोगों ने सचमुच में गाड़ी रोक ली, उन्हें मारने के लिए उनके पास आ रहे थे। ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते एक टनल में आए। जॉन उन लोगों को बहुत मारता है। इसके बाद यही इसी टनल में दोनों इंटीमेट हो गए। एक दिन ये फिर से शॉपिंग के लिए आए हुए थे। एलिजाबेथ को एक गोल्ड नेकलेस बहुत पसंद आया। जॉन ने कहा, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो डायरेक्टली ले लो। एलिजाबेथ डायरेक्टली अपनी पॉकेट में रख कर वहां से चली जाती है। सिर्फ थ्रिल के लिए ये सब चीजें वो कर रहे थे। इसके बाद ये बेड बाय करने के लिए आए। जॉन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वहां के सेल्समैन के सामने ही वो एलिजाबेथ को इस पर सोने के लिए कहता है। उसने सेल्समैन से बात की, कहा तुम्हें जो अच्छा लगे उसी तरीके का बेड चूज कर लेना, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ सिर्फ एलिजाबेथ के साथ एडवेंचर के लिए आया हुआ था। इस बेड पर ही वो एलिजाबेथ को टच करने लगता है। इसके बाद वो एलिजाबेथ को स्टिक बाय करने के लिए लेकर आया। लोगों के सामने ही वो एलिजाबेथ को मार कर देखता है। ये लोग ये देखते ही रह गए थे। ये सब को यूज कर ये रात में इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिजाबेथ की आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन था। एक ब्रिलियंट पेंटर के बारे में बात चल रही थी। वो आजकल इनके पास आता नहीं तो एलिजाबेथ को जाकर खुद से उसे बात करनी पड़ती है। उसने उसे जाकर याद दिला दिया कि तुम्हारा एग्जीबिशन है। वो कहती है, तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। पेंटर कहता है, एक मूवमेंट बहुत ही फेमिलियर होता है पर फिर भी सबसे स्ट्रेंज, हम उसे समझ नहीं पाते। यही चीज एलिजाबेथ और जॉन के रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। ये मूवमेंट फेमिलियर तो है पर फिर भी उसे समझ नहीं पाती। एक दिन जॉन ने एलिजाबेथ से कहा, मेरे लिए फ्लोर पर क्रॉल करो। उसे पैसे फेंक रहा था। एलिजाबेथ उसका सब कुछ मानना चाहती है। ये करने की कोशिश भी करती है पर उसे सही नहीं लगता। उसने उसे मना किया पर जॉन कैरेक्टर में था। कहता है, तू मुझे मना नहीं कर सकती। वो उस पर चिल्लाने लग गया पर एलिजाबेथ रोने लग जाती है। जॉन ने उसे सॉरी कह दिया। अगले दिन जब वो ऑफिस में थी तो अपने एक हस्बैंड को अपने फ्रेंड के साथ जाता हुआ देखा। जॉन एलिजाबेथ को कॉल करता है। उसने एक होटल का एड्रेस दिया जहां पर उसे मिलने के लिए बुला रहा था। होटल पर पहुंचने के बाद एलिजाबेथ को जॉन ने फिर से कॉल किया। वो कहता है, मैंने ड्रॉवर में तुम्हें पहनने के लिए कुछ रखा हुआ है। एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस था। जॉन उसके पास आया। उसकी आंखों पर उसने पट्टी बांध दी। जॉन ने अपने साथ और एक लड़की को लाया हुआ था। ये लड़की एलिजाबेथ को टच करने लगती है। एलिजाबेथ को लगा कि शायद जॉन ही है। इसके बाद उसके सामने ही जॉन उस लड़की के साथ इंटीमेट होने लग गया था। इस बात पर एलिजाबेथ बहुत गुस्सा हो गई। जॉन को कल एलिजाबेथ ने मना किया था तो उसका वे था उसे पनिश करने का। वो एलिजाबेथ को गुस्से में देखकर उसके पीछे भी जाता है। उसे उसने गले लगा लिया। आज रात एलिजाबेथ की पेंटिंग की एग्जीबिशन थी। आजकल उसके साथ जो भी हो रहा है इस वजह से वो बहुत रोई। रात में वो जॉन के पास आई थी। सुबह होने पर डिस्टर्ब होकर यहाँ से वो जा रही थी। जॉन समझ गया कि शायद ये वापस नहीं आएगी। उसके पास आता है। जॉन अपने बारे में एलिजाबेथ को कुछ भी बताता नहीं था। अब वो उसे बताने लग जाता है। वो एक छोटे से टाउन से आता है। उसे 5 ब्रदर और सिस्टर्स थे। उसने अपने आप को बहुत काबिल बनाया था, इसी वजह से आज वो मिलियनेयर है। एलिजाबेथ कहती है कि अब बहुत ही लेट हो चुका, उसने उसके साथ जो भी किया ये सब गलत था।
वो कहती कि मुझे पता था कि हम दोनों की रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकती है, पर ये बहुत दूर तक चली। जॉन कहता है कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, पर तुम्हारे साथ मैंने जो फील किया ये मैंने कभी भी फील नहीं किया था, प्लीज रुक जाओ। एलिजाबेथ यहाँ से चली जाती है। जॉन कहता है मैं 50 तक काउंट करूंगा। वो काउंट करता रहा। एलिजाबेथ भी मूडी, पर वो डिसाइड करती है कि उसे फिर से उसके पास वापस नहीं जाना। वो इस तरीके से हमेशा गेम्स नहीं खेल सकती है, और जॉन जिस तरीके से उसे ट्रीट करता है ये वो डिजर्व नहीं करती। वो खुद एक इंडिपेंडेंट लड़की है, इस तरीके से उसे कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता। यही है, मूवी एंड हो जाती है।